हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ न्यूरो एनाटॉमी। चैप्टर नंबर 2 की सेकंड वीडियो है ये एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट साइनाप्सिस। ओके, हमने इस चैप्टर में अर्लियर ऑन पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन की टाइप्स क्या होती हैं, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सिनेप्स। नाउ द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स दैट आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म फंक्शनल कंडक्टिंग पाथवेज। द साइट वेयर द टू न्यूरॉन्स और a neuron and a skeletal muscle or any gland come in close proximity and functional interneuronal communication occurs is known as synapse. So that's the definition of synapse. Let us discuss and spend a few minutes here. कि इसका मतलब क्या है? देखो भाई, बात ये है कि ये suppose आपका brain है, बड़ा अजीब सा brain बनाया, but इस brain के अंदर बहुत सारे यार millions of neurons मौजूद है ना। अब एक neuron है, ये उसकी cell body है, ये उस neuron का axon है, फिर ये दूसरा न्यूरॉन है, ये उसकी सेल बॉडी है, ये उसका एग्जॉन है, फिर ये न्यूरॉन है, इस तरह से कहानी है ना। तो ये इतने सारे जो न्यूरॉन हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं, दे काइंड ऑफ टॉक टू ईच अदर, बात करते हैं आपस में। यानी इस एग्जॉन में से जो मटेरियल निकलता है वो इसमें ये उसको सेंस करता है और फिर ये आगे मैसेज पास ऑन करता है, इसमें से जो मटेरियल निकलेगा वो इसको सेंस ऑन करेगा। और कहीं कहीं तो ऐसे होता है कि एक एक एग्जॉन के रिसीव करने वाले जो है ना वो मल्टीपल होते हैं, सो ये न्यूरॉन भी मैसेज लेगा, ये न्यूरॉन भी मैसेज लेगा। वो जगह जहां पर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से मिलकर बातें करता है उस एरिया को दिस इज कॉल्ड साइनैप्स। अब ये साइनैप्स जो है ये न्यूरॉन्स के बीच में भी हो सकता है और समटाइम्स ये भी हो सकता है कि सपोज दिस इज अ न्यूरॉन सेल बॉडी है और ये उसका एग्जॉन है और यहां पे एक्चुअली है मसल फाइबर, ये मसल फाइबर है, इस मसल फाइबर पर इसने कोई केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करना है और ये यहां पे एक्शन करेगा, तो इस एरिया को भी हम साइनैप्स नाम देते हैं। तो साइनैप्स का बेसिकली मतलब होता है वो जगह जहां पे न्यूरॉन्स या न्यूरॉन्स के इफेक्टर ऑर्गन्स आपस में कम्युनिकेट करें और गुफ्तगुशनीद यानी बातें करें, राजो न्यास की, प्यार मोहब्बत की, दैट एरिया इज नोन एज अ साइनैप्टिक एरिया। सो दिस इज कॉल्ड साइनैप्स। ओके, सो इट्स द साइट, दोबारा पढ़ो डेफिनेशन बिकॉज इट्स वर्थ स्टडिंग अगेन। द साइट वेयर टू न्यूरॉन्स कम इन टू क्लोज प्रोक्सिमिटी एंड फंक्शनल इंटरन्यूरोनल कम्युनिकेशन अकर, यानी आपस में करीब आ जाते हैं और उनकी इंट्रैक्शन होती है, तो उसे हम कहते हैं साइनैप्स। नाउ मोस्ट न्यूरॉन्स मे मेक साइनैप्स विद थाउजेंड और मोर अदर न्यूरॉन्स, यानी एक न्यूरॉन हजार न्यूरॉन्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता है एंड मे ऑल्सो रिसीव अप टू 10,000 कनेक्शन रिसीव भी कर सकता है। साइनैप्सिस अकर इन नंबर फॉर्म्स, कई तरह के साइनैप्स होते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप इज दैट विच अकर्स बिटवीन एन एग्जॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट और द सेल बॉडी ऑफ द अदर न्यूरॉन। यानी इस तरह से ये एग्जॉन है, ये रहा एग्जॉन और ये रहा दूसरी न्यूरॉन या दूसरा डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन। सो एग्जॉन है ये, सो देयर इज एन एग्जॉन कम्युनिकेटिंग विद द डेंड्राइट, सो दिस इज एग्जॉन और डेंड्राइटिक टाइप ऑफ साइनैप्स। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन कैटेगरी। ओके, एज एग्जॉन अप्रोचेज द साइनैप्स इट मे हैव अ टर्मिनल एक्सपेंशन विच इज कॉल्ड द बाउटन टर्मिनल और इट मे हैव अ सीरीज ऑफ एक्सपेंशन विच इज कॉल्ड बाउटन डी पैसेज, each of which makes synaptic contact. In other types of synapses, the axon synapse on the initial segment of another axon. So, axon may directly synapse with another axon. Abhi iske baare mein padhte hain. That is proximal to where the myelin sheath begins. Or synapse may exist between terminal expansions from different neurons. Kya baat ho rahi hai yaar? Confuse mat ho. Main batata hoon. Slow karke batata hoon. Pehli category wo hai, jisme, let me rub all this. Mita deta hoon is sabko. Naye sire se baat karte hain. सो पहली कैटेगरी वो, बल्कि डायग्राम बनी है यार, किधर है किधर है किधर है, ये रही यार, ऐसा कोई डायग्राम। सो दिस इज न्यूरॉन नंबर वन, दिस इज न्यूरॉन नंबर टू, ये सेल बॉडी है न्यूरॉन वन की, ये एग्जॉन, दिस इज द एग्जॉन ऑफ न्यूरॉन वन एंड दीज आर द डेंड्राइट्स, दीज आर द डेंड्राइट्स ऑफ न्यूरॉन टू। सो इसका एग्जॉन इनके डेंड्राइट्स के साथ मिल रहा है, ये है साइनैप्स। साइनैप्स इसी को बोलते हैं ना जहाँ एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट होता है, तो ये है साइनैप्स। ये साइनैप्स किसके बीच में है? एग्जॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन, तो इसका नाम है एक्सोडेंड्राइटिक। क्या मुश्किल है? एक्सोडेंड्राइटिक का मतलब एक्सॉन इसका, डेंड्राइट इसका, एक्सॉन डेंड्राइटिक, एक्सोडेंड्राइटिक। सो दैट इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ साइनैप्स। ओके, द सेकंड कैटेगरी ऑफ द साइनैप्स इज
is something else. For example, there is neuron number one, this is neuron number two, and see what's happening. Neuron number one ka exon direct somatic yani cell body ke saath synapse bana raha hai, so this is called exosomatic. And then here, this is again the diagram showing one neuron, second neuron, and third neuron. So first neuron or second neuron ke beech mein exosomatic type ka communication hai, lekin second or third neuron ke exons aapas mein mil rahe hain, so this is called exoexonic. Iska bhi exon hai, iska bhi exon hai, exoexonic category. Okay, so different tarah ke synapse ho sakte hain, isse pareshan nahi hona. It can be exodendritic between exon and dendrite, it can be exosomatic between exon and cell body, it can be exoexonic between exon and exon. Okay, how an exon terminates varies considerably in different parts of the nervous system. For example, a single exon may terminate on a single neuron, or a single neuron may synapse with multiple neurons, as in the case of the parallel nerve fiber. So, I mean, capacity bahut zyada hai, yani ek jo neuron hai uska exon jo hai wo 100 different neurons ke saath, 1000 different neurons ke saath communication kar sakta hai. But it really depends upon which part of the nervous system we are talking about. There are some parts jahan pe bahut active communication chahiye hoti hai, wahan pe bahut multiple synapses hote hain. So for example, a single exon may terminate on a single neuron, ye baat hum kar chuke hain. Example, in the same way, a single neuron may have synaptic junction with exons of many different neurons. The arrangement of these synapses will determine the means by which a neuron can actually be stimulated or inhibited. Synaptic spines, extensions of the surface of the neuron from receptive site of the synaptic contact with afferent bowden. So बात यहाँ पे बेसिकली ये हो रही है, ये टर्म बार बार आ रहा है तो मैं ये समझा देता हूँ बाउटन का मतलब क्या है. देखो, अगर ये सेल बॉडी है ना, और इस सेल बॉडी से ये एग्जॉन नीचे जा रहा है, और ये दूसरी सेल बॉडी है जिसके साथ इसको साइनेप्स बनाना है, तो ये एग्जॉन यहाँ आके एक्सपेंड हो जाता है इस तरह. इस एक्सपेंशन को नाम देते हैं टर्मिनल बाउटन, और इसमें बेसिकली न्यूरो ट्रांसमीटर्स स्टोर होते हैं और यहीं से न्यूरो ट्रांसमीटर्स निकलते हैं. ओके, तो ये वर्ड बाउटन से आपने परेशान नहीं होना. साइनेप्सिस आर ऑफ टू टाइप्स, आइदर दे आर chemical communication or they are electrical communication. So these are the two primary types of synapses. Ya to ek neuron aur dusre neuron ke beech chemicals niklenge ya phir electrical impulses. Most synapses are chemical, in which chemical substances which are called neurotransmitters, they pass across this narrow space ek neuron se dusre neuron tak. Jahan se nikal raha hota hai wo terminal bouton hai, aur jahan receive ho raha hota hai usko kehte hain receptor area. In most chemical synapses, several neurotransmitters may be present. One neurotransmitter is usually the principal activator and acts directly on the postsynaptic membrane, while the other transmitters function as modulators and modify the activity of the principal transmitter. So, ab yahan pe kya baat ho rahi hai? देखो, ये पूरा एरिया है भाई साइनेप्स का एरिया. इस पूरे को हम क्या नाम देते हैं? साइनेप्स. ये बात क्लियर हो गई. अब इस साइनेप्स का ये जो ऊपर वाला न्यूरॉन है जो ये बाउटन बना रहा है, इसे हम नाम देते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. ठीक है, बीच में ये क्लेफ्ट आ गया, दिस इज द साइनेप्स प्रॉपर. और उसके बाद जो अगला न्यूरॉन है इसको हम नाम देते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. सो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है ये बेसिकली रिसीव करेगी, सो दिस विल बी द रिसेप्टर. और ये जो प्री सिनेप्टिक है इसमें टर्मिनल बाउटन बनेगा. बहुत सारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे, उनमें से कोई एक होगा चीफ न्यूरो ट्रांसमीटर, बाकी हेल्प करेंगे इस न्यूरो ट्रांसमीटर को. सो दैट्स ऑल व्हाट इज डिस्क्राइब्ड हियर. चलो अब थोड़ा मजीद डिटेल में बात करते हैं कि केमिकल साइनेप्स में क्या क्या डिटेल्स हैं जो आपको याद रखनी है. केमिकल सिनेप्सिस का पूरी स्टोरी ये है कि जो एक्चुअली मैंने यहाँ पे आपको बता भी दी, एक दफ़ा दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ ताकि ये बात अच्छे से समझ में आ जाए. एक न्यूरॉन है और ये उसका एक्सॉन है, ये उसका टर्मिनल बाउटन बनेगा, एंड देन दिस इज न्यूरॉन नंबर टू, और ये उसका डेंड्राइटिक एरिया. सो दैट एरिया ऑब्वियसली इज द साइनेप्टिक एरिया, ये साइनेप्स है. तो इसमें तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं. वन इज कॉल्ड द प्री साइनेप्टिक एरिया, देन दिस इज द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, द साइनेप्स प्रॉपर, और फिर जो अगला न्यूरॉन है उसका डेंड्राइटिक सरफेस कहलाती है पोस्ट साइनेप्टिक एरिया. अब होता यह है कि जो प्री साइनेप्टिक एरिया है इसमें छोटे छोटे वेजिकल्स होते हैं, और इन वेजिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं.
अब जैसे ही एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करके नीचे पहुंचती है, यानी ऑब्वियसली यहाँ कहीं ना कहीं से मैसेज आ रहा होगा ब्रेन से या कुछ, तो एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल्स डाउन द एक्सॉन, और उस एक्शन पोटेंशियल के यहाँ पहुंचते ही, यहाँ कहाँ, साइनेप्टिक जो ये प्री सिनेप्टिक टर्मिनल में बाउट बना है, जो एक्सपेंडेड एरिया है, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल यहाँ पहुंचता है, सो देयर इज इंक्रीज इन फ्लक्स ऑफ कैल्शियम, बेसिकली कैल्शियम अंदर एंटर होता है, और उस कैल्शियम के होने से ये होता है कि ये जो वेसिकल्स हैं, ये वेसिकल्स मेम्ब्रेन के साथ बाइंड कर जाते हैं और ये खुल जाते हैं बाय अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। तो क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल ने कैल्शियम का इन्फ्लक्स करवाया, कैल्शियम के इन्फ्लक्स की वजह से वेसिकल्स मेम्ब्रेन से बाइंड होके जो न्यूरोट्रांसमीटर है अब वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर आ गया। अब ये जब साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर पूरा न्यूरोट्रांसमीटर आ गया, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं उस न्यूरोट्रांसमीटर के लिए, तो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर बाइंड हो जाता है, और बाइंड होकर फिर यहाँ जो भी उसका एक्शन है वो एक्शन करवाएगा। अब वो एक्शन एक्साइटेशन भी हो सकता है, वो एक्शन इनहिबिशन भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो चैनल्स को ओपन कर रहा है, क्लोज कर रहा है, डीपोलराइज करवा रहा है सेल को, या हाइपर पोलराइज करवा रहा है, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट द न्यूरॉन मे बी फर्दर एक्टिवेटेड और इट मे बी इनहिबिटेड। ओके, सो ये सारी बेसिक स्टोरी है जो बड़ी सिंपल सी है समझने में। अब इस स्टोरी के अंदर कुछ और चीज़ें फिट करते हैं। सो केमिकल सिनेप्सिस में केमिकल ट्रांसफर होंगे जिनको हम कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। देर इज अ प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो एक न्यूरॉन की होगी, फिर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो दूसरे न्यूरॉन का होगा, उनके बीच में जो गैप है दिस इज कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट विच इज अबाउट 20-30 नैनोमीटर्स वाइड। ओके राइट, सो ये सारी बात यहाँ पे यही लिखी है जो मैंने अभी आपको बताई है। सो गो थ्रू दिस, एक्सोसाइटोसिस के जरिए न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। नाउ न्यूरोट्रांसमीटर्स आर स्टोर्ड इन द प्री साइनेप्टिक एरिया। सो इस डायग्राम में अगर हम देखें, सो लुक एट दिस डायग्राम फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एक्सॉन ऑफ वर्न न्यूरॉन, ये प्री साइनेप्टिक टर्मिनल बाउटन है, और ये हैं छोटे छोटे वेसिकल्स, और साथ मौजूद है ये जबरदस्त चीज जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि जैसे ही एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँचेगा, इस एक्शन पोटेंशियल की वजह से कैल्शियम ने अंदर आना है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया, उस कैल्शियम के यहाँ आने की वजह से व्हाट विल हैपन कि ये जो वेसिकल्स हैं ये मेम्ब्रेन पे बाइंड हो जाएंगे, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएगा, और यहाँ उस न्यूरोट्रांसमीटर का मौजूद होगा रिसेप्टर। तो ये सारी कहानी यहाँ पे डिटेल में बताई हुई है। फॉर ऑल दिस प्रोसेस टू हैपन वी नीड ATP, और ATP कौन प्रोवाइड करेगा भाई, ATP प्रोवाइड करना किसका काम है, इट इज़ द जॉब ऑफ द mitochondria. So mitochondria will basically provide ATP for release of neurotransmitters. Okay, now most neurons produce only one principal neurotransmitters and उसके साथ बहुत सारे different modulators. अब neurotransmitters के यार बहुत सारी लंबी चौड़ी list है. For example, acetylcholine is a neurotransmitter. For example, GABA, serotonin, glycine, dopamine, epinephrine, substance P, glutamic acid. लंबी list है. और ये डिपेंड करता है कि आप पूरे नर्वस सिस्टम के किस एरिया की बात कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि आप न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की बात कर रहे हैं तो एसिटाइलकोलिन, अगर आप स्पाइनल कॉर्ड में न्यूरॉन्स के कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो ग्लाइसिन, डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स। ओके, नोट दैट ऑल स्केलेटल न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस यूजेस एसिटाइलकोलिन, यानी जहां न्यूरॉन होगा वो सप्लाई करेगा मसल को, तो यहां जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा दैट इज इन मोस्ट केसेस एसिटाइलकोलिन। ओके राइट, न्यूरोट्रांसमीटर एक्शन कर ली यार, कितनी दफा ये बात करूं, ये सारी स्टोरी यहां जो लिखी हुई है, फिर वही बात, वेसिकल्स यहां पड़े हुए हैं प्री साइनेप्टिक टर्मिनल बाउटन के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी मिलेगी, कैल्शियम जैसे ही इन्फ्लक्स होगा बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ये वेसिकल बाइंड कर जाएंगे मेम्ब्रेन के साथ, न्यूरोट्रांसमीटर ये पीला पीला बाहर आ गया, जाके अटैच हो जाएगा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। ओके, अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसका क्या होगा, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है सारे का सारा नहीं बाइंड करता पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर, कुछ डिग्रेड हो जाता है, कुछ अपटेक हो जाता है वापस प्री साइनेप्टिक सिस्टम के अंदर। ओके, सो ऑल न्यूरोट्रांसमीटर आर रिलीज फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग्स बाय अराइवल ऑफ द नर्व इंपल्स, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल पहुंचती है कैल्शियम निकलता है और एक्सोसाइटोसिस के जरिए न्यूरोट्रांसमीटर बाहर। ठीक है, अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये यहाँ पे एक्साइटेशन भी कर सकता है, एक्साइटेशन तब करेगा जब देर इज डीपोलराइजेशन, ये यहाँ पे इनहिबिशन भी कर सकता है, इनहिबिशन तब होगी व्हेन देर इज हाइपर पोलराइजेशन। ओके, और डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स के डिफरेंट काम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो एसिटाइलकोलीन है इट कॉजेज रैपिड एक्साइटेशन, लेकिन जो ग्लाइसिन है, गाबा है, दे आर इनहिबिटरी। ओके, नाउ एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी इफेक्ट्स ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन विल डिपेंड अपॉन द समिशन ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक रिस्पॉन्स
रिस्पॉन्स टू डिफरेंट सिनेप्सिस. ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पे जो चैनल्स हैं वो खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, पॉजिटिव चैनल्स खुल रहे हैं, नेगेटिव चैनल्स वॉट सो एवर. ओके, सम ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर्स आर लिस्टेड हियर सच एज एसिटाइल कोलीन. द जॉब इज रैपिड एक्साइटेशन एंड मेन सेंसरी एंड मोटर सिस्टम. ये मैं अभी इसलिए नहीं टच कर रहा ज़्यादा क्योंकि अलग अलग जब पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो अलग अलग साइनेप्सिस पढ़ेंगे, तो अलग अलग न्यूरो ट्रांसमीटर्स पढ़ेंगे. फिर वॉट इज द फेट ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर? द फेट ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर इज नंबर वन, इट इज टेकन अप बाय द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा. नंबर टू, इट इज डीग्रेडेड बाय समथिंग इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट. नंबर थ्री, इट इज टेकन अप, इट इज़ रिसाइकल्ड. तो ये डिफरेंट फेट्स हैं डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स के. ओके, राइट. मैंने आपको बताया कि दे आर ऑल्सो समटाइम्स डिस्ट्रॉयड इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट बाय समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, जो एसिटाइल कोलिन है, इट इज डिस्ट्रॉयड बाय एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज. ओके, देन न्यूरोमॉड्यूलेटर्स एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है. बॉस, दीज आर केमिकल सब्सटेंसेज अगेन विच बेसिकली हेल्प ऑगमेंट या सपोर्ट द फंक्शन ऑफ मेन न्यूरोट्रांसमीटर. बस इतनी सी बात अभी याद रखनी है और कुछ नहीं, ठीक है. नाउ, इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस इज द सेकेंड कैटेगरी ऑफ साइनेप्सिस. मजे की बात, दे यूजली आर वेरी रेयर इन ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम. बात खत्म. इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में कोई केमिकल रिलीज नहीं होता, इसमें कोई न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होता, बल्कि एक्शन पोटेंशियल जो है डायरेक्ट एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाती है विदाउट रिलीज ऑफ एनी केमिकल. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राई साइनेप्स. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राई साइनेप्स बिकॉज देर इज नो वेट थिंग, देर इज नो केमिकल रिलीज. ओके, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ साइनेप्स. विद दिस वी आर नाउ लेफ्ट विद द थर्ड वीडियो ऑफ द चैप्टर जो मैं फॉरन अपलोड करूंगा. एंड दिस इज अबाउट न्यूरोग्लिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सपोर्टिंग सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम. ये वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द अगली वीडियो में. अपना ख्याल रखिएगा.